अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। आज ईद का पहला दिन है और आप मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब को इस ईद के सदक़े और रमज़ान के जो गुजर गया है उसके सदक़े हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी बातों को कबूल फरमाए, हमारे रोज़े कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो मैं चांद रात को अपलोड करनी थी, बस टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से माजरत। ये आप लोग ईद के दिन फर्स्ट डे या सेकंड डे बना सकते हैं, बहुत मज़े की रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सबसे पहले बारीक सेवियाँ लेनी है, उसे अच्छी तरह से पीस लेना है और फिर आपने उसे भून लेना है पहले खाली। फिर आपने उसमें घी डालना है, चाहे तो आप देसी घी डाल लें, चाहे आप कोकोनट ऑयल कोकोनट घी डाल लें, या जो डालटा घी होता है वो डाल लें। उसमें अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद आपने इसमें कंसर्ड मिल्क डालना है, वो बाज़ार से भी मिल जाता है, आप उसे घर में भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने ना एक कप ज़्यादा किलो दूध ले लेना, उसमें चीनी डाल लेनी है एक कप, उसे अच्छी तरह से पका लेना। जब तक तो गाढ़ा हो जाएगा फिर आपने उसे उतार लेना है। हमारी जिस सेवियाँ तैयार हो जाएंगे तो आप कोई भी शीशे की कटोरी ले ले, उसे अच्छी तरह ग्रीस कर ले ऑयल के साथ, और फिर जो सेवैयाँ हमने बनाई हैं उसको अपने गर्म गर्म इसके अंदर डालना है और कटोरी की शेप दे देनी है, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इस तरीके से आपने सारी कटोरियाँ बना लेनी है। ये इस मिक्सर को ना आपने गरम गरम ऐड करना, अगर आप ठंडा ऐड करेंगे तो भी ये जम जाएगी। बस इसके बाद इसको सारी फिल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दें ताकि जब ठंडी हो जाए और हमारी कटोरी बन जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कस्टर्ड बनाना है। कस्टर्ड तो सबको बनाना आता है, सेम ही फार्मूला है इसका। मैं यहाँ पर वनीला फ्लेवर बना रही हूँ, आपके पास जो आपको पसंद है वो बना लें और इसके अंदर फिल कर लें। कटोरी को छुरी की मदद से ना उसे अलग करना है कटोरी से जो हमने बनाई है। इसी तरीके से आपने सारी अलग करने के बाद जो हमारा कस्टर्ड हो गया ना उसको भी आपने बनाने के बाद ठंडा कर लेना है, और ठंडा होने के बाद फिर हमने इसके अंदर फिल कर लेना है। ये हमारी सेवैयों की कटोरी कितनी अच्छी बनी है। इस तरीके से हमारा कस्टर्ड भी रेडी है, वो हम इसके अंदर फिल कर रहे हैं। जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और फिर इसके अंदर आप कोई भी अच्छी सी डेकोरेशन कर दें जो आपको पसंद हो। अगर आपके पास फ्रूट्स है तो आप फ्रूट डाल लें, अगर आपको टूटी फ्रूटी है वो डाल लें, जो भी आपको पसंद है। ड्राई फ्रूट तो मेरे पास ये बिस्किट था कोकोनट, वो मैंने क्रश करके वो डाल दिए। ये थी मेरी आज की वीडियो।